हेलो फ्रेंड्स, आज वेज थाली से मैं आपके लिए एक 1 मिनट गेम लेकर आई हूँ। हमने एक थाली का इंटरनेट से फोटो लेके उस पर कुछ नंबरिंग कर दिए, नाम लिख दिए। मिठाई भी है, दाल भी है, मिक्स वेज भी है, पनीर भी है, सलाद भी है, पुलाव भी है और पराठे भी हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट चाहिए, सिर्फ एक। सारे मेंबर्स कितने भी हों इसी एक शीट से खेलने वाले हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब जैसे कोई मेंबर खेलने आएगा 1 मिनट का टाइमर लगेगा और 2 आपको तंबोला के काउंटर लेने हैं कैसे भी। बाकी आप कुछ सिक्के लेंगे, लेकिन इसके ट्विस्ट को करने के लिए हमें 2 तंबोला काउंटर चाहिए। हर मेंबर के लिए 2 ही चाहिए। तो अब जैसे ही कोई मेंबर पहले खेलने आता है उससे आपको कहना है कि हमारी ये वेज थाली है, इसमें 7 चीज़ें हैं। 7 पॉइंट मैंने डाल रखे हैं पराठे से शुरू करके। इसे आप नान भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं, मैंने पराठा लिख दिया है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही कोई मेंबर खेलने आएगा उससे कहना है कि इस पूरी थाली में से उसकी 2 चीज़ें क्या फेवरेट्स हैं, जिसमें उसे पराठा नहीं बोलना है, पराठा स्किप कर देना है। इसके अलावा पुलाव, मिठाई, दाल, मिक्स वेज, पनीर, सलाद, कुछ भी 2 चीज़ें वो चूज़ कर सकता है और उन 2 पे आपको तंबोला काउंटर रख देने हैं। सिक्के दबा के हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए सिक्के नहीं रखवाने हैं। 2 तंबोला काउंटर लें। सपोज मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैंने एक मिठाई ले ली, एक मैंने पनीर पसंद है पनीर ले लिया। हर मेंबर का अलग अलग होगा ये चॉइस का मामला। हर एक को 2 चीज़ें चॉइस करनी है और पराठे को स्किप करने के बाद। मैं अनु सिंघल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल लाइव स्ट्रीम पे आपने मुझे बहुत प्यार दिया था, देखने से रह गई हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा टाइम शुरू होता है अब। मेरा आया 1, 1 पे मैं यहाँ पे आ गई। अब दूसरा सिक्का लूंगी, इसके आगे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3। अब हम इसके आगे से काउंट करना शुरू करेंगे, आया 5, 1, 2, 3, 4, 5। हमें 7 तक जाना है, उसके बाद ऐसे करके पूरे 1, 2, 7 जो नंबर है वैसे ही हमें घूमना है। 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब आया 1, 1 मेरा यहाँ से है तो 1 मेरा यहाँ पे आएगा। 7 के बाद हमें 1 पे आना है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर 1 पे आ जाना है। अब आया 2, 1, 2। अब आया 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। सपोज फ्रेंड मेरा टाइम यहीं पे अप हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ट्विस्टी पॉइंट्स की, इसके हमें पॉइंट्स कैसे मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो 2 आपने ये जो चूज करे हैं पनीर और मिठाई, जो भी मेंबर चूज करेगा, तो इस पे जितने भी सिक्के रखे होंगे उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना मिलेगा। अनलकीली मेरा सिर्फ 1 और 1 पॉइंट आया मिठाई पे, और पनीर पे तो कोई आया ही नहीं है। तो इसके मेरे हो गए 5 पॉइंट। अगर 2 सिक्के हो जाते तो 10 पॉइंट मिलते, 3 सिक्के होते तो 15 पॉइंट मिलते, 5 पॉइंट तो मुझे इसके मिले। उसके अलावा अब आपके जो ये और ये, इसका आपको कोई नहीं मिलेगा। हमने पराठे को स्किप करवाया है हर मेंबर की च्वाइस से। उसका ट्विस्ट क्या है, अब आपको एक बार डाइस चलना है। जब आपका मेरा स्कोर अभी तक 5 पॉइंट का है, इनके कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। मेंबर को सिर्फ 2 जो उसने चूज करे हैं उनके पॉइंट्स 5 गुना होके मिलेंगे, प्लस इस पराठे कितने पॉइंट मिलेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने एक बार डाइस चला तो जो नंबर डाइस में आएगा और जितने सिक्के यहाँ पे होंगे इसको हम इंटू कर देंगे, 3 × 5 = 15। अगर मेरा पराठे में एक भी सिक्का नहीं होता तो मुझे डाइस चलने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो ये वेज थाली में 15 ये पराठों के और 5 मेरे मिठाई के, जो दुगने 5 गुने होके मिले, वो 20 पॉइंट का स्कोर मेरा हो गया। ऐसे ही मेंबर्स आएंगे, सबसे पहले 2 चीज फेवरेट चूज करेंगे, उस पर काउंटर रख के आप, उसके बाद सब पे सिक्के चलवाते चले जाएंगे सीक्वेंस वाइज जो ये पेपर रखा हुआ है। इसके बाद पराठों का जितना भी सिक्के होंगे उसे इंटू होगा, चाहे डाइस में आपका 1 आए तो वो आपके लिए बैड लक है, 6 आए तो वो आपके लिए वेरी गुड लक है। उसके अलावा जितने आ सिक्के होंगे उसका स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेरा होता है 20 पॉइंट का स्कोर। जो मेंबर भी हाईएस्ट स्कोर करेगा वो हमारा इस वेज थाली का विनर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है गेम पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, बिना कहीं जाइएगा नहीं।